हेलो फ्रेंड्स जी, सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले के गिटार ट्यूटोरियल में, जो हमारा रूट लेवल का पहला ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने आपको इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया और कुछ जानकारी दी। आज हम इस ट्यूटोरियल में उसके आगे की कुछ चीज़ें सीखेंगे। उन चीज़ों के तहत आएगा, मैं आपको बताऊँगा गिटार ट्यूनर के बारे में। ये हमारी स्ट्रिंग, जिनको हमने बोला था ई ए डी जी बी ई ट्यून होती है, उनको हम इस ऐप से किस ढंग से चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गिटार ट्यूनर है। ये मेरे पास में पिच लैब नाम का गिटार ट्यूनर है, जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग जो प्ले कर रहे हैं वो कौन सी है। मैं आइए आपको बताऊंगा, सिक्स स्ट्रिंग होती है। ई स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, आप देखिए यहाँ पर आपको ई दिखेगा, चेक इट, आपको ई दिख रहा है, सिक्स स्ट्रिंग ई। देन उसके बाद में फिफ्थ स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग, हम यहां उसको स्ट्राइक करेंगे तो आपको यहां पर ए दिखेगा, दिस इज ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्ट्रिंग है डी स्ट्रिंग, आपको डी दिख रहा होगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग, देन सेकंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग। इस तरह गिटार के इस ट्यूनर से हम चेक कर सकते हैं और इस गिटार को ट्यून भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्यूनिंग का पार्ट हो गया, एंड अभी आपको समझ में आ गया कि गिटार के स्टैंडर्ड्स ट्यूनिंग में कौन से नोट होते हैं और किस तरह से इसको ट्यून किया जाता है। ये तो हमने अभी जो नोट आपको बताए ई ए डी जी बी ई, ये सब नोट कहलाते हैं ओपन नोट। ये नोट कहलाते हैं ओपन नोट, मतलब हम जब यहां से स्ट्राइक करते हैं और बिना विदाउट प्रेसिंग एनी फिंगर जो बचता है उसको बोलते हैं ई ए बी जी डी एंड ई। इसके बाद में आपको यहां दिख रहा होगा ये फ्रेट वन, फ्रेट टू, फ्रेट थ्री, फ्रेट फोर, जैसे भी हम फिंगर्स को यहाँ पर प्लेस करके बजाते हैं तो ये हमारे अलग अलग साउंड क्रिएट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बजाएंगे तो यहाँ पर पूरे फ्रेट बोर्ड में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं। तो ये नोट्स कौन से होते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, हम वो सीखते हैं कि ये गिटार के फ्रेट बोर्ड में टोटल नोट्स कौन से होते हैं और कहां से आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल नोट कितने होते हैं और कौन से होते हैं। तो हमने जब सीखा फ्लूट में मैंने आपको बताया था कि सारे गामा पधनिसा यूज करके बजाया जाता है, लेकिन जब हम गिटार सीखते हैं तो हमें वेस्टर्न नोटेशन सीखने होते हैं। वेस्टर्न नोटेशन में होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी नोट होते हैं। ये मैं आपको जो पैटर्न सिखाऊंगा ये है एक इंटरनेशनल पैटर्न। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ें आपको इंटरनेशनल पैटर्न पर भी सिखाई जाती है, जिसे हम ट्रिनिटी ऑफ लंदन का एग्जाम बोलते हैं, उसमें भी आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको देखा हुआ, आपने यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक चार्ट है, ये आपको ये गिटार बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एक ये नोटेशंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सी मेजर स्केल लिखा हुआ है। सी मेजर स्केल में नोट होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी एंड अगेन सी। यदि हम ये नोट प्ले करते हैं, मीन्स सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो ये कहलाता है सी मेजर स्केल। अभी इन सात नोटों को, ये जो सात नोट है इनको हम बोलते हैं ऑक्टेव, ये है ऑक्टेव एक।
इन नोट के बीच में कुछ नोट्स और भी होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हुआ है, सी और डी के बीच में ये एक नोट होगा, इसी तरह से डी और ई के बीच में, ई और एफ के बीच में कोई भी नोट नहीं होता है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। फिर इसी तरह से एफ और जी के बीच में एक नोट होगा, जी और ए के बीच में एक नोट, ए और बी के बीच में एक नोट, और बी और सी के बीच में नोट नहीं होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, आपने कीबोर्ड यदि देखा होगा, सिंथेसाइजर देखा होगा, तो आपको वहाँ पर 2 ब्लैक और 3 ब्लैक कीज दिखाई देती हैं। तो ये 2 ब्लैक कीज और ये 3 ब्लैक कीज, यही कीज होती हैं, शार्प और फ्लैट कहलाती हैं। तो इनको जब हम रेज करते हैं ऊपर से, सी ये जो साइन है इसका नाम है शार्प, ये आपको मोबाइल में दिखेगा, इसे आप हैश कहते हैं, यहाँ म्यूजिक के लैंग्वेज में उसको हम शार्प कहते हैं। तो सी और डी के बीच में जो नोट होगा वो कहलाएगा सी शार्प, मीन्स सी के बाद जो भी नोट आएगा वो सी शार्प होगा। डी और ई के बीच में जो नोट होगा यहाँ पर वो कहलाएगा डी शार्प, ई के बाद डायरेक्ट एफ आएगा, एफ और जी के बीच में जो नोट होगा वो एफ शार्प कहलाएगा, जी और ए के बीच में जो नोट आएगा वो जी शार्प कहलाएगा, ए और बी के बीच में जो नोट आएगा उसे ए शार्प कहेंगे, और बी और सी के बीच में कोई भी नोट नहीं होता है, डायरेक्ट आता है। तो इस तरह से ये टोटल 12 नोट हो चुके हैं। किस तरह से आएंगे नोट, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी एंड बी तक हमारे 12 नोट हो जाते हैं। ये सी ऑक्टेव नोट होता है, अगले इस बार काम आता है ये। तो इस तरह से 12 नोट जब हम लाइन से प्ले करेंगे तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिक प्ले करना। यदि हम 12 नोट एक के बाद एक प्ले करेंगे तो उसको क्रोमेटिक प्ले करना कहलाता है। यदि हम सी डी ई एफ जी ए बी सी बजाएंगे तो इसको बोलेंगे मेजर स्केल प्ले करना। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये नोट हमको यदि गिटार सीखना है तो बाय हार्ट लर्न करने होंगे। लर्न करने में वैसे भी परेशानी नहीं है क्योंकि हमको ई के बाद शार्प नहीं बोलना है और बी के बाद शार्प नहीं बोलना है, बाकी सब जगह हमको शार्प बोलना है। तो मेरे साथ आप बोल के दोहराइए, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी एंड अगेन सी। तो ये इस तरह से यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पर ये आपको टोटल 12 नोट दिख रहे हैं। यहाँ पर ये इतने नोट यदि आप लर्न कर लेते हैं तो हम फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो आपको नोटेशन समझ में आ गया कि इस तरह से नोटेशन 12 नोटेशन होते हैं, या इंटरनेशनल पैटर्न का स्टाइल है, हमको इसी पैटर्न पर गिटार सीखना पड़ेगा। और यदि बाद में आप चाहते हैं कि आप इंडियन क्लासिकल सीखें गिटार में, तो मैं आपको वो भी चीज़ सिखा सकता हूँ, लेकिन हम पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वेस्टर्न स्टाइल पे गिटार किस तरह से बजाया जाए। तो मैंने आपको बताया था इसके पूर्व के ट्यूटोरियल में कि ये जो ओपन स्ट्रिंग होते हैं उसमें ये 6 नंबर का स्ट्रिंग है, 6 मीन्स जो थिक होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से 6 स्ट्रिंग्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको कहते हैं फ्रेट। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 फ्रेट हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड फ्रेट है, यहाँ पर आपको डॉट दिखेगा, ये थर्ड फ्रेट का डॉट है। अब यदि हम पहले ये 6 स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं तो ओपन बजेगा ई, ये कहलाएगा ई। 5th स्ट्रिंग को यदि स्ट्राइक करते हैं तो ये कहलाएगा ए नोट, ये फिर डी नोट, ये जी नोट, ये बी नोट और ये ई नोट। अब इसको हम कैसे इस पे अप्लाई करते हैं, ये आपको मैंने बताया ई नोट है। अब आपने यहाँ देखा होगा ये सी सी शार्प, डी डी शार्प, ये आपने लाइन यदि याद कर ली है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहला नोट है ई नोट, इसको बोलेंगे ई। उसके बाद में ये जो नोट आएगा यहाँ पर, तो ई के बाद में देखिए क्या आ रहा है, ई के बाद में यहाँ पर एफ आ रहा है, तो ये यहाँ का जो नोट होगा इसका नाम होगा एफ, ओके एफ। उसके बाद में यहाँ पर एफ हो गया, इसके बाद में ये जो फ्रेट है एफ के बाद का नोट है एफ शार्प, तो ये नोट का नाम होगा एफ शार्प। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एफ शार्प के बाद में आता है जी, ये नोट यहाँ जब प्रेस करके बजाएंगे इस तरह से तो ये जी होगा।
उसके बाद में जी के बाद में आता है ये जी शार्प, तो यहाँ पर ये है जी शार्प। तो इस तरह से नोट आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इनको हम बोलते हैं सेमी टोन, सेमी टोन, सेमी टोन, सेमी टोन। तो पहले बोलिए फिर से ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प। मैं आपको ये समझाने के बाद में गिटार पर बजा करके दिखाऊंगा कि ये किस ढंग से नोट आपके बज रहे हैं। उसके बाद में ये जी शार्प आ गया, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके नोट आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये जैसे ये आया फिफ्थ स्ट्रिंग, यहाँ पर ये ए, यदि इसको हम ऐसा स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो प्ले होगा वो नोट होगा ए। ए के बाद में अब आप बता सकते हैं कि कौन सा नोट आएगा, तो ए के बाद आप देखिए चार्ट में कहाँ है, ये ए है, ए के बाद में आता है ए शार्प, जैसे यहाँ भी लिखा है ये ए, ए के बाद में ए शार्प, तो यहाँ जो नोट बजेगा वो कहलाएगा ए शार्प। उसके बाद का नोट होगा जो यहाँ प्ले होगा उसको बोलेंगे डी, उसके बाद का नोट होगा यहाँ सी, उसके बाद का नोट होगा सी के बाद कौन सा नोट आता है, सी के बाद यहाँ देखिए फिर से सी शार्प, ये यहाँ पर जो होगा ले सी शार्प। मीन्स यहाँ फिंगर रख के जो हम नोट बजाएंगे तो इस तरह से नोट बजेंगे। आप देखिए ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी सी सी शार्प, फिर ये अगला नोट है डी। अब इस तरह से आप खुद बना सकते हैं नोट, खुद ढूंढ सकते हैं कि पहले चार फ्रेट में कौन से नोट आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा फास्ट, डी के बाद आएगा यहाँ पर बोलिए डी शार्प, देन यहाँ पर आएगा ई, फिर यहाँ पे होगा एफ, ये लाइन को फॉलो करना है, ये लाइन या ये लाइन सेम लाइन इनको फॉलो करना है एफ, इसके बाद में ये नोट होगा एफ शार्प, एफ शार्प के बाद ये आ गया जी, यहाँ पे ये जी आ गया, जी के बाद में यहाँ पर होगा जी शार्प, ये होगा यहाँ पर ए, यहाँ होगा ए शार्प, यहाँ पे होगा बी, ये आ गया बी, बी के बाद अपना नोट होगा यहाँ पे बी के बाद सी आता है, बी के बाद ये फिर सी आ गया, मतलब कहाँ है हम लोग, ये बी के बाद सी, सी के बाद क्या होगा सी शार्प, ये नोट होगा सी शार्प, देन डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प जी और ये जी शार्प। इस ढंग से ये मैंने जो लिखे यहाँ पर ये सारे नोट क्रोमैटिक्स नोट कहलाते हैं। यदि ई से एफ बजाया तो क्रोमैटिक, एफ से एफ शार्प बजाया तो क्रोमैटिक, यहाँ से यहाँ क्रोमैटिक, यहाँ से यहाँ क्रोमैटिक, ईच नोट क्रोमैटिक नोट है। तो इस तरह से आपको ये चार्ट अब समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में आपको मैं बजा करके बताऊंगा कि ये चार्ट में कौन सा नोट कैसे बजते हैं, आइए देखते हैं। तो अभी आपको ये नोट समझ में आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा ये जो डायग्राम है इसका एप्लीकेशन गिटार पर किस ढंग से होगा। मैंने आपको बताया था कि सिक्स स्ट्रिंग पर ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प, यहां से जब आप बजाएंगे तो ये बजेगा आपका ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प, देन ए ए शार्प बी सी सी शार्प, देन डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प डी, फिर यहां से बजेगा हमारा बी सी सी शार्प डी डी शार्प, देन इधर ई एफ एफ शार्प जी एंड जी शार्प। तो इस तरह से आप ये नोटेशंस गिटार में किस तरह से फिंगर्स में बजते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रिंग लेसन किस ढंग से बजाए जाते हैं और फिंगर लेसन किस ढंग से बजाए जाते हैं। तो आइए इंतजार करते हैं अगले ट्यूटोरियल का, तब तक के लिए धन्यवाद, कीप प्रैक्टिसिंग।